हे फ्रेंड्स, वेलकम टू पंडोली स्टडी। आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का एग्जाम पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी बताए हुए हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। प्रश्न दिया है क नंबर पे आपको, राजश्री इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से इसका राइट हो जाएगा स नंबर का गुण संधि। सेकेंड है निस्तार इत्यस्मिन पदे संधि अस्ति, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स नंबर का विसर्ग संधि। ग पे आपको पूछा गया है मात्र प्लस अनुमति इत्यस्त संधि अस्ति, इसका हो जाएगा मात्र नुमति फर्स्ट नंबर का। स घ पे आपको पूछा गया है सत प्लस शील इत्यस्त संधि अस्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न दो में आपको पूछा गया है अंशोह इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, इसमें पहले का आंसर हो जाएगा द नंबर का। सेकंड का होगा अव्यवी भाव समास्य उदाहरणम अस्ति, सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का अ नंबर का। ग में दिया है चंद्रशेखर इत्यस्मिन पदे समास अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर द नंबर का बहु ब्रीही समाज। घर पे दिया है अधो लिखे तेषु अव्ययम् अस्ति, तो इसका हो जाएगा व नंबर का राइट आंसर। और आपको लास्ट में दिया गया है अध्य अधिक शैन्त्य वर्तते अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीन देखते हैं, परागतः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परा द नंबर का। ख पे आपको लिखा दिया है, ख पे आपको दिया है अधो लिखे तेषु उपसर्ग नास्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्ति द नंबर का। आगे देखते हैं। फोर नंबर के प्रश्न में आपको पूछा गया है पठतो नास्ति, इसमें आपको खाली स्थान फिल करना है, जिसमें पहले में आ जाएगा ब नंबर का और दूसरे में आ जाएगा अ नंबर का माता। प्रश्न पांच दिया है आपको, इसमें भी आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, जिस पहले का राइट आंसर है लटकारह फर्स्ट नंबर का अ राइट है। ख में दिया है गच्छानि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा स नंबर का उत्तम पुरुषः। ग में आपको दिया है हंति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, तो इसका हो जाएगा एक वचनम अ नंबर का राइट आंसर होगा। घ में आपको पूछा गया स नंबर का। आइए आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर का प्रश्न देखते हैं, इसमें पहले में आपका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का, सेकंड में ख में आपका राइट आंसर हो जाएगा पठन ब नंबर का, थर्ड में आपका राइट आंसर हो जाएगा गुणवान अ नंबर का, और घ में आपका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का। आइए सेवन में देखते हैं युग्मेलन कुरुता, तो इसमें आपको सही जोड़ी मिलानी है। पहले का आ जाएगा आपका सही जोड़ी का खगोल शास्त्रम, सेकंड का हो जाएगा फर्स्ट नंबर का धान्य वृद्धस्य, और ग का हो जाएगा फोर नंबर का, घ का हो जाएगा पृथ्वीविम। आगे देखते हैं। इसमें आपको सत्य सत्य चुनकर लिखना है, जिसमें पहला आपको बता दूं क्या होगा, पहला है आम मतलब यह सत्य है, दूसरा है ना यह असत्य है, तीसरा दिया है आपको आम मतलब यह सत्य है, और चौथा है ना यह असत्य है। प्रश्न नौ देखते हैं इसका, इसमें आपको ये खाली स्थान दिए हुए हैं, इसमें आपको फिल करना है, तो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट में ये आएगा
वारी धरे। सेकंड में आपका अंगा माध्या, और थर्ड में आएगा लीलांग फर्स्ट नंबर का। और फोर्थ में आएगा घ पे आपका आ जाएगा, ये फोर नंबर पे आएगा छत्रसाल। फिफ्थ का ये हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। इसमें आपको एक पदेन उत्तर लिखना है, मतलब एक वाक्य में उत्तर लिखना है, जिसका मैं बता दूं पहले में आ जाएगा पाणिनी, दूसरे का हो जाएगा पाताले, तीसरे का हो जाएगा धीरतया, चौथे में आ जाएगा कोत्स्य, 11वें में भी आपको क्वेश्चन ऐसा पूछे गए हैं एक वाक्य में। आगे भी आपको अपठित गद्यांश पढ़ के लिखना है। ये देखिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर बता दे रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।